तो फाइनली दोस्तों, रिसेंटली मैंने अरुणाचल की एक और मूवी देखी है और उस फिल्म का नाम है ख्वाब। KHWAB, ख्वाब, ए ड्रीम, ए मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म। और इस फिल्म का आज मैं आप लोगों को बिल्कुल चोनू और मोनू की कसम खा के बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ जुआरू महिलाओं से जो अपने घर का सारा काम काज छोड़ के चांग घर में बैठ के पत्ते खेल रही होती है। और ये हमारे प्रदेश में बिल्कुल कॉमन है, पत्ते खेलना और किटी पार्टी। और पत्ते खेलते खेलते एक औरत जिसने अपने मुंह पे 2 किलो मेकअप लगाया हुआ था, वो ये बोलती है, मीना मेरा कान में ना कहीं सुना ही दिया था तुम लोग का घर में झगड़ा हो रही क्या, सच है क्या? हम भी सुना था दे। मतलब तुम एक बार एक्सप्रेशन देखो मौसी का, मौसी को कितना ज्यादा इंटरेस्ट है कि मीना के घर में किस बात का झगड़ा चल रहा है। तुम लोग भी क्या बात करते हैं ना, कहाँ से सुनते हैं। हम झगड़ा नहीं हुआ है, मेरा पति और उसका पर्स भी है, सकिन मैं कि वो लोग झगड़ा हो रहे हैं। हम अच्छा, तो मीना के पति के पास इतनी पत्नियां हैं कि बेचारी को उंगली में गिनती करके बताना पड़ रहा है। और मीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पति ने उसे तीसरी बीवी के तौर पे अपनाया है। लेकिन पड़ोस में जो भयानक मौसी बैठी है, उनको इस बात से आपत्ति है। हमको तो स्कूटी ले दिया, दुकान बना दिया, मेरे लिए तुम बस, हम ऐसे खुशी से जी रहे हैं, वो लोग से लेना देना नहीं है ना। तुम लोग क्या बात करते हैं एकदम। तुम भी ना कैसे, तुम लोग सेकंड थर्ड बीवी में जाते हैं, सॉरी तेरे। नहीं बहन, जब वो कह रही है कि उसका पति उसको स्कूटी ले दिया है, पान दुकान खोल दिया है, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल टकाटक खुश है, तो तुमको क्या जरूरत है दूसरे की जिंदगी में उंगली करने का। खैर आगे देखते हैं। ये लड़की लोग क्या आजकल सेकंड थर्ड बीवी बनते रहते हैं ना। तुम क्या थर्ड सेकंड बीवी का बात करते, तुम पर्स बीवी होके शाम सुबह मार नहीं खाते क्या? हम लोग तो पर्स सेकंड थर्ड बीवी है, हम लोग का लाइफ तो अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खुशी से। हम तो सोच रहे हैं अपना बहन के लिए भी एक मुर्गा दून देगा। मुर्गा? अया मुर्गा वो ला, मुर्गा ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ला दून देगा। बहुत बढ़िया। नहीं भाई, तुम माहौल देख रहे हो, इन महिलाओं के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मुर्गा है, बड़ा बिजनेसमैन बकरा है, और तो और एमएलए और मिनिस्टर तो इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मतलब साला पुरुषों का इनके लिए तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बता दूं कि आम तौर पे क्या होता है, हम लोग पति के बहन को ननद कहते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में क्या है, पति के बहन को भी साली कहा जाता है। उसको इधर आने दो। तो छोटी सी साली स्कूल से घर आ रही होती है और तभी भाभी उसको देख के कहती है, तेरा स्कूल अभी छुट्टी हुई क्या, इतना लेट छुट्टी होती तेरा, घर जाके वो बर्तन सर्तन धुलाओ रे, इसका पीछे वो बाथरूम में भी कपड़ा था उसका भी धुलाओ, सुने ना, और घर सर पूरा अच्छे से झाड़ू मारो और मुसो रे। एक मिनट यार, ये भाभी है या फिर कोयला फिल्म का अमरीश पुरी? मतलब देखो, हम सभी लोगों को ये पता है कि भाभी और ननद का रिश्ता बिल्कुल सांप और नेवले की तरह होता है, दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जालिम भाभी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। घर जाके वो बर्तन सर्तन धुलाओ रे, इसका पीछे वो बाथरूम में भी कपड़ा था उसका भी धुलाओ। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? तो अब जालिम भाभी की धमकी सुन के छोटी सी ननद घबरा जाती है और वो अपना स्कूल का यूनिफॉर्म खोले बगैर ही बर्तन मांजने लग जाती है। तो ये तो था इस फिल्म का एक हिस्सा जो ये बताता है कि किस तरह से अपने प्रदेश में भाभियां दिन रात चांग घर में बैठ के पत्ते खेलते हैं और घर के सास और ननद के ऊपर अत्याचार करते हैं, जिस वजह से ननद भी कहती है, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। लेकिन अब बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की ओर, जहां भाभी जुए में पैसे हार के वापस अपने औकात पे आ जाती है और अपने मोटा को फोन लगाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी समझदार मर्द अपनी पत्नी का फोन एक बार में कभी नहीं उठाता है, और यह भी वही हुआ। तो देखते ही देखते भाभी का पारा सातवें आसमान पे चढ़ने लगा, लेकिन बहन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर भाभी का मोटा ऐसा कौन सा विशेष कार्य कर रहा था जिस वजह से वो अपने इतने खतरनाक बीवी का भी फोन नहीं उठा रहा था। नोनो कहाँ जा रहा है? वो काम से तोरा बाहर गया था, काफी ले तोरा हमको। बे तो हम पहुंचा देगा। ठीक है। Ouch! 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 Ouch!
आप थोड़ा धीरे चलाइए ना। अच्छा अच्छा, तो भैया इस विशेष कार्य में व्यस्त है। एक मिनट, में भाभी को अभी फोन लगाता हूँ। मतलब भाभी ने रिंग टोन भी बिल्कुल अपने कैरेक्टर के हिसाब से लगाया है। तो भैया वहाँ किसी नोनू नाम की लड़की को लिफ्ट देने में बिजी थे, इसीलिए भाभी का फोन नहीं उठा रहे थे, और भाभी का यहाँ फोन कर करके बेहाल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक भाभी के फोन पे किसी मोनी रॉय नागिन की फोन आती है, और उसके बाद आगे बोल नहीं बता। ए भाई बता ना, बता ना, भाई 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 मेरा भाई। हेलो हेलो, कौन? हम आपका शुभ चिंतक। क्या शुभ चिंतक? अरे आपको पता नहीं है, आपका पति आप ड्यूटी जाते सोचते ना, लेकिन वो ड्यूटी नहीं जाते, लड़की लाइन मार्केट। तो फाइनली भाभी को ये पता चल चुका होता है कि उसका मोटा ड्यूटी नहीं जाके किसी और लड़की को लाइन मार रहा होता है, और ये सुनते ही भाभी अपने हाथ में रखे गरम छेनी को नीचे फेंक मारती है और वापस किचन में चली जाती है। तो वहाँ दूसरी तरफ अपना हीरो नोनो के साथ मोमो खाके वापस मस्त फर्स्ट क्लास अपने घर वापस लौट रहा होता है, और इस बात से वो बिल्कुल बेखबर होता है कि उसके घर में उसकी पत्नी बिल्कुल नागिन की तरह फन मारे बैठी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये क्या है यार? ये क्या है? बोलो। आप बोल ना। पत्नी के हाथों रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद हीरो को ये बिल्कुल एहसास हो चुका था कि एक स्प्रिट ब्रेकर किसी भी इंसान का पूरा परिवार उजाड़ सकता है। और फिर उसके बाद हीरो ने भी वही किया जो दुनिया का हर मर्द पकड़े जाने के बाद बोलता है। ये बहन है। ये क्या बोला तूने? ऐसे तो नहीं होता है। अपनी बहन का सदस्य चिपक के बेचते। तुम बहन बहन बोल के सबको लाइन मारो। ये कौन सा एंगल से बहन दिख रहे? तुम बोलो तो, तुम चीटिंग कर रहे मेरे साथ। एक मिनट भाभी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं देख के बताता हूँ कि ये लोग कौन से एंगल से भाई बहन लगते हैं। यार मुझे तो ये लोग किसी भी एंगल से भाई बहन नहीं लग रहे यार। मतलब तुम खुद देखो, अपना हीरो नोनो के साथ फेविकॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपक के बैठा हुआ है। कौन पत्नी इसको देख के भाई बहन सोचेगी यार? बात तो सही है। तो देखते ही देखते घर में क्राइम पेट्रोल वाला माहौल बनने लगा, और फिर भाभी ने भैया से कहा, रुको, हम भैया को बता देगा, रुको तुम। कहाँ जा रहे तुम? अने अरे बाप रे बाप। एक मिनट यार, ये भाभी ने गुस्से में भैया को दो पंच मारा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भाभी ने गाले उठा के ये कौन सा निंजा टेक्निक से मारा है यार? मतलब मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी भाभी सच में अरुणाचल प्रदेश से है या फिर तमिलनाडु से। नहीं भाई, आज तक मैंने साउथ के भी किसी भी एक्टर को इस तरह से लुंगी उठा के पेलते हुए नहीं देखा है जिस तरह से ये औरत गाले उठा के अपने पति को पेल रही है। अब तुम कहानी में इत्तेफाक तो देखो, जिस नोनो के वजह से अपना हीरो बिल्कुल पराठे की तरह पेला जा रहा है, वही नोनो उसी वक्त सामने की गली से गुजर रही होती है। क्यों झगड़ा कर रहा? तुम दाना आजकल लड़की, वो लड़की तुम दाना। बहन है ये मेरा। तुम झूठ मत बोलो। देखो ना नोनो बहन, थोड़ा आगे में वो तुमको घर पहुंचाने वाला कोई फोटो क्लिक करके भाभी को भेज दिया। भाभी ये मेरा भैया है यार, हम लोग एक ही खानदान का है। तो? क्या ये लोग सच में भाई बहन है? मतलब अपना हीरो बस ऐसे ही पिट रहा था। चलो। अब अंत में हमारे डायरेक्टर साहब ने समाज को एक खूबसूरत मैसेज भी दिया है, और वो मैसेज ये है कि प्लीज ज्यादा शक मत कीजिए, ये आपके खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर सकता है, क्योंकि रिश्ता होता है ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नहीं भाई, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन भाई ये जो टाइटल में जो मोटिवेशनल लिखा गया है, ये कहा है इस फिल्म में मोटिवेशनल स्टोरी कहा है? मतलब बीबी के हाथ से मार खाना और उसके बाद मार खा के चुपचाप दोनों प्यार से वापस अपने घर चले जाना, ये कौन सा मोटिवेशन है भाई? ये अभी झगड़ा मत करो, चलो घर। तो इसलिए इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 33, मतलब -33, क्योंकि इस फिल्म में मुझे कहीं भी मोटिवेशन नहीं दिखा। लेकिन वो जो भाभी ने गाले उठा उठा के किक मारा है, उस सीन ने सच में मेरे दिल पे जगह बना लिया है यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग भी चाहे तो इस फिल्म को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फिल्म का लिंक दे दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटा आएगा उसको भी दबाइए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस ID पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साला फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे यार मेरे, कब बनूंगा बड़ा यूट्यूबर।